नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आल इज वेल स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज हम जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ओ डी ओ पी भी बोलते हैं इसको इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग भी जेके पी एस सी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तैयारी कर रहे हैं विशाल पब्लिकेशन के थ्रू बुक आई है मार्केट में जो मैंने लिखा है इसको और अब इसको परचेज़ कर सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल ज्योग्राफी, हिस्ट्री कोऑपरेटिव और पॉलिटिक को लेके दिया है आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे तरीके से और बाकी जो कसर रहेगी वो हम लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे ओके अब ये न्यूज़ में है और जे एंड के का नाम आया है इसमें नेशनल लेवल पर तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जे एंड के में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है हाइपर लोकल प्लान हाइपर लोकल मतलब हो गया बिल्कुल लोकल लेवल पे जाके प्रोडक्ट की देखना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आउटसाइड फ्रॉम इंडिया तो उसके लिए जे एंड के में एक पेंसिल जो है पेंसिल स्लेट जो है जे एंड के से काफी इनका योगदान रहता है उनका नाम भी अभी लिस्ट में आया है कर्नाटका का एल ई डी इन एक्सपोर्ट पुश तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंशन किए गए हैं तो पता होना चाहिए आपको अब न्यूज में क्यों है क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू आइटम्स फॉर द एक्सपोर्ट अंडर इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो है ये क्या है ये स्कीम क्या है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है क्या फंक्शन है क्या रहता है किस मिनिस्ट्री के अंडर है सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि ये जो स्कीम है इसमें इसके बारे में देखेंगे क्या है स्कीम उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे नोडल एजेंसी देखेंगे कौन कौन सी नोडल एजेंसी जो है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का नोडल एजेंसी कौन सी है आज की डेट में करंट स्टेटस क्या है जे का नाम क्यों आया है और कर्नाटका का कर नाम क्यों आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये मन की बात में बोला था ठीक है 2020 में बोल दिया था कि ऑलमोस्ट 90% परसेंट ऑफ दी डिमांड जो है पेंसलेट कंट्री में जो इंडिया में मिलती है वो कश्मीर वैली से मिलती है और पुलवामा का कहीं ना कहीं बिग शेयर है यहां पे ओके और इससे क्या होता है कि इंडिया में जो है सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर जो है इंडिया है अपने आप पर अब देख लेते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है क्या एक्चुअल में क्या है कि ये जो स्कीम है ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया जितने भी इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उठाया जाएगा और इसको इंडस्ट्रियल हब में कन्वर्ट किया जाएगा ओके तो ये इनकी स्कीम है कि एक डिस्ट्रिक्ट हर एक इंडिया में एक एक डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हो सकती है ओके तो इट सी टू आइडेंटिफाई वन प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट वो देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोटेंशियल और स्ट्रेंथ है उसी के बेस पे ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कीम्स तो आपको पता होना चाहिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है इसके ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना एम बता दिया एम क्या है एक आपने याद रखना एम है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब्स होना चाहिए और आइडेंटिफाई करना कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पोटेंशियल स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट के लिए ओके okay. और किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इनके नोडल मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस स्कीम के लिए अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इनका ऑब्जेक्टिव है टू कन्वर्ट ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री इनटू इंटू एक्सपोर्ट हब बाय आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट ताकि हम डिस्ट्रिक्ट को देख सकें कि आइडेंटिफाई कर सकें और एक्सपोर्ट हब बनाना एक्सपोर्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट एक एग्जाम्पल ये इंडिया है ओके यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाहर बेचेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट जब भी बाहर से कंट्री से इंडिया में लाएंगे उसको बोलेंगे इंपोर्ट करना तो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह कहना है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट देखेंगे तो एक एक्सपोर्ट हब बन जाएगा ठीक है और आइडेंटिफाई करने के लिए ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है और दूसरी बात है कि टू एड्रेस द बॉटल नेक्स्ट फॉर एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है तीसरा पॉइंट जो है टू एक्सपोर्ट लोकल एक्सपोर्टर एंड मैनुफैक्चर टू स्केल अप मैनुफैक्चरिंग और इससे क्या हो जाएगा देखो फर्स्टली बात है कि जो लोकल जैसे जम्मू कश्मीर का नाम लेके चलें अगर पेंसिल है तो लोकल एक्सपोर्टर जो है लोकल जो मैन्युफैक्चर है उनको बढ़ावा मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उससे क्या होगा इकोनमी जो है वो ग्रो होगी लाइवलीहुड मिलेगा लोगों को और इंप्लायमेंट भी जनरेट होती है तो गवर्नमेंट का स्कीम जो है कहीं ना कहीं इसी के लिए होती है नेक्स्ट जो पॉइंट है टू तो फाइंड पोटेंशियल बायर आउटसाइड इंडिया विद विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स और इससे क्या होगा आउटसाइड जो है बायर जो है वो मिल जाते हैं आउटसाइड इंडिया से तो मेन का मुद्दा है कि पेंसिल जो है उसको एक्सपोर्ट करें जे एंड से लेके आउटसाइड कंट्री पेंसिल ने ही बहुत सारे आइटम्स को जो है इंक्लूड किया गया है बास्केट में ठीक है एक्सपोर्ट हम के लिए तो वो देखेंगे कौन कौन सी है वो लेक्चर को एंड तक देखें क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोमोट मैनुफेक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री आपको पता है कि इंडिया जो है इंडिया में थ्री सेक्टर ऑफ इकॉनमी है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर ठीक है और सबसे ज़्यादा जो है आज की डेट में अगर देखेंगे तो मैनुफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी की के लिए और जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए इंप्य जनरेट करने के लिए लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए तो कहीं ना कहीं प्रमोट करती है ये मैुफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री इन ईच डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट में इंप्लायमेंट भी होगी और लाइवलीहुड भी क्रिएट होगा टू जनरेट इम्प्लॉयमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट दिस इज ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसका इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी उसकी चिंता नहीं करनी आपने ध्यान से देखना है है ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस को इंक्लूड किया गया है तो इंक्लूड किया गया बहुत सारे और प्रोडक्ट को अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गोइंग टू गो हाइपर लोकल हाइपर लोकल या बिल्कुल लोकल लेवल पे विलेज लेवल पे जाके इन्होंने प्रोडक्ट देखना कि एक डिस्ट्रिक्ट में विलेज लेवल पे अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें वो भी लेना है एंड गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फूड आइटम्स टू इंक्लूड न्यू वंस और न्यू इंक्लूड करने की बात करी है ओके फॉर एग्जांपल लेके चले एग्जांपल कौन सी गोइंग बिहाइंड ट्रेडिशनल फोकस प्रोडक्ट्स लाइक साउथ की गोवा फैनी दार्जिलिंग की टी तो ये पुराने हैं बहुत ट्रेडिशनल वे पे की जहां से प्रोडक्ट होता है और इनको जीआई टैग वगैरह मिलता है और ये एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बाहर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब ये कहना है कि हम और भी प्रोडक्ट को इंक्लूड करें ताकि उनकी भी एक्सपोर्ट हो सके और मार्केट न्यू मार्केट जो है डेवलप हो सके न्यू प्रोडक्ट कौन कौन से इंक्लूड किए गए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि एल ई बल्ब्स ऑफ कर्नाटका चित्रदुर्गा इसको भी इंक्लूड किया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए और पेंसिल फ्रॉम पुलवामा ऑफ जे एंड के तो पेंसिल फ्रॉम पुलवामा जे एंड के को भी इंक्लूड किया गया है एक्सपोर्ट की कैटेगरी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ओके okay, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वन 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 डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रोडक्ट पहले तो एम पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर है वो बता दिया मैंने और नोडल नोडल एजेंसी कौन सी है और जे एंड के में किस चीज को ये एक्सपोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चूज किया गया है वो पेंसिल्स मा जे एंड के अब इससे मैरिट क्या होगा और डीमेरिट क्या होगा ये आपको बताना चाहिए और किस मिनिस्ट्री के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये, ये, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर यह सब हो रहा है अब इसका मैरिट क्या होगा क्या फायदे इसको इसमें क्या फायदा होगा वन डिस्ट्रिक्टोडक्ट में इट विल डायवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्कट ठीक है एक्सपोर्ट था बाहर भेजने के लिए इसको क्या करेगा डायवर्सिफाइ करेगा प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन इज अ की एलिमेंट ऑफ चार हजार बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट फॉर दिस ईयर सेटअप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इनने यह सेटअप किया है कि हमें इतना एक्सपोर्ट करेंगे इस साल ओके इट विल बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर इंडियन प्रोड्यूसर आर कंपिटेटिव यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोडल एजेंसी नोडल एजेंसी जो हमने बताई दी कौन कौन सी है वो आपको बताना चाहिए ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कीम्स और ये लाइन आपको बता चाहिए इसके अलावा जो डिपार्टमेंट इनका अग से आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का वो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डी पी आई आई टी ये भी आपको पता होना चाहिए ये इसके क्या है मेजर स्टेक होल्डर हैं ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट स्टेटस देखें आज की डेट में तो अंडर द इनिशियल फेज ऑफ ओडीओपी प्रोग्राम 106 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है कितने डिस्ट्रिक्ट में 103 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 27 स्टेट्स जिसमें जे एंड के यूटी का भी नाम इंक्लूड किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और कौन कौन सी स्टेट है यहां से ये एक प्रोडक्ट को उठाएंगे ठीक है वो है जैसे ये आपकी स्क्रीन पे सब है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां देख लेना लेकिन जैसे जे एंड के का लिखा है पुलवामा में पेंसिल वैसे ही कर्नाटका का लिखा है एलईडी लाइट्स वैसे ही अगर इंपॉर्टेंट लेके चलें तो अनंत गुजरात में लिखा है डेयरी प्रोडक्ट तो आपको पता है अमूल डेयरी प्रोडक्ट कहाँ है अनंत गुजरात में तो ये डेयरी प्रोडक्ट की बात करी है अर फार्मे की फार्मेसी की अब बोलें तो आंध्र प्रदेश का नाम लिखा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपने एक बार इसकी पूरी नज़र लगा देनी है देख लेना है ये था आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ये काम आएगा आपको हर एक एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो कोई जो हमने डिस्कस किया जे एंड के की पेंसिल जो है पुलवामा वाली उसको इंक्लूड किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपने सब जो जो मैंने पॉइंट बोले वो आपने याद कर देने हैं ओके थैंक यू सो मच लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद